अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो में आप लोगों को कहते हैं खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह सुबह सुबह अपनी मोटर पे। एक्चुअली मैं यहां पे फसलों में ना पानी की सूरत हाल देखने के लिए आया था, तो सब फसलों में जो है वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आज अभी तो लाइट नहीं है, वैसे अभी लाइट आती है तो फिर हम इंशाल्लाह चला देते हैं मोटर। वैसे भी आज मंगलवार है, तो मंगल वाले दिन जो है वो साथ वाले टाउन में बडियाना में जो है मंगल बाज़ार लगता है, तो आज चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से हमको लेसन चाहिए ना। वो सामने वहाँ पे हमारा खेत है जिसमें हम कुछ दिन पहले वहाँ पे हल चला रहे थे, तो मेरा एक्चुअली प्लान है वहाँ पे लेसन लगाने का। एक नाल जगह है, उसके लिए अभी बीज ढूँढ रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा, तो आज मैंने सोचा कि मंगल बाज़ार लगता है टाउन में, वहाँ चलते हैं, वहाँ से पता करते हैं, अगर वहाँ से बीज मिल जाएगा तो फिर बीज उधर से ले कर आते हैं। तो पहले दो तीन दफ़ा हमने उसमें हल चला दिया हुआ खेत में, अभी और हल चलाना पड़ेगा, दो तीन दफ़ा और हल चलाएंगे तो जो ज़मीन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे कुएं के इर्द गिर्द घास काफ़ी बड़ी हो गई है, इसकी भी किसी दिन हमने यहाँ पे इंशाल्लाह सफाई करनी है। तो क्योंकि किसी दिन हमारा इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोग्राम है, थोड़े दिनों में शायद एक हफ़्ते बाद हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो दुबई से आए हुए हैं, तो उनको इनवाइट करना है यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर पूरी पार्टी का प्रोग्राम होगा, इसलिए यहाँ पे सफाई वगैरह कर देंगे। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हमारे कुएं में अभी भी आधा कुआं जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में सैलाब तो नहीं आता, लेकिन ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाती है, तो इर्द गिर्द के इलाकों में पानी गुजर जाता है, आता भी। तो हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी अपने इलाके में सैलाब आया नहीं देखा। थे बड़े बताते हैं कि ये वाला जो हमारा इलाका है, बोलते हैं ये ऊंचा है, यहाँ पे साइडों से पानी जो है वो नहीं आता। इस सैलाब ने इस दफ़ा तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, तरह तरह की वहाँ पे बीमारियों ने आके जो है वो डेरे डाल दिए हैं। तो हम अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, उनकी मुश्किलात को अल्लाह ताला जो है वो आसान फरमाए और जल्द अज़ जल्द उनकी जो ज़िंदगी है उसको अल्लाह ताला बहाल फरमाए। ये हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा मुरझाई हुई थी, तो अभी दो तीन दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं माशाल्लाह हरी भरी हो गई है फसल। केड़ी गई मैंने फरानी है यार, तार नहीं जा सन फेरे लगी तार, मैं लाई है तो नहीं चली मोटर। इधर नो पड़ता, इधर नो चुक लेगा ने बड़े चुक लेने सिर ते, मैं तो चुके नहीं करे थे। मोटर की जो तार है वो आगे से उतरी हुई है, यहाँ से इसको लगा लेते हैं जी, और आगे जाके फिर दूसरी जो तार है आगे से फिर लगाएंगे तो मोटर चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर से तार जो है वो उतरी हुई है, इसको अभी करते हैं थोड़ा सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं जी बडयाना, चलेंगे वहाँ पे मंगल बाज़ार में, देखते हैं क्या वहाँ पे मिलता है। चलो पहुंच गए जी हम मंगल बाजार, यहाँ पे लगा हुआ टाउन में। ये जी हमको लहसुन यहाँ पे मिल गया। लहसुन हमको यहाँ पे मिल गया, काफी ज्यादा बीज पड़ा हुआ है जी यहाँ पे, इनके पास भी है और वहाँ पर भी है, उनके पास भी है और भी वो भी आगे भी बहुत बीज है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं किसके पास क्या प्राइस है यहाँ पे। ये तो 300 रुपये किलो बता रहे हैं। आ जाओ असल है वो, तो हम क्या कर रहा हमारा किस तरह जे थोम भला मेरा भी थोम ले जा फर्क के दिख लेगा घर खड़ा वापस थोम फ्री 250 किलो रेट एक होगा 15 में घर खड़ा वापस आ जाएगा ये गारंटी। ये वाला 250 रुपए किलो बता रहे हैं जी वहां के सामने मरिया बुझे 300 रुपए घर खड़ा वापस ले गए और ये 250 रुपए इसकी प्राइस बता रहे हैं 1 किलो। सही लेकिन हो जानी है कम वगैरह नहीं दी ठीक है। लहसुन तो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे लहसुन की, लेकिन चीज़ का फ़र्क है। पहले जिनके पास गए थे वो 300 रुपये किलो बता रहे थे, दूसरे के पास गए वो 250 रुपये, लेकिन हर किसी के पास जो है वो क्वालिटी डिफरेंट है। बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे हर मंगल वाले दिन। मैं और अली हसन तो बस हम लहसुन का पता करने के लिए आए हुए थे, तो लहसुन हमने देख ली है 200-250-300 तक 1 किलो मिल रहा है। तो बाकी हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह कि हमको कितने किलो हमको चाहिए, अगले हफ्ते आएंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लेके चले जाएंगे। चलो जी